डोंट कम होम, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन 40-40 मिनट की है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है, आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। खैर, अब मैं सीजन 1 कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। अब इस सीरीज में देखेंगे एक लड़की वारी की कहानी, जो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर अपनी मां के पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वारी के लिए मुश्किलें उस वक्त बढ़ जाती है जब इस घर में आकर उसकी 5 साल की बेटी अचानक से कहीं लापता हो जाती है और वारी भी कुछ बहुत अजीब सी चीजें एक्सपीरियंस करने लगती है। तो आखिर वारी के साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसकी बच्ची कहां गई, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये सीरीज अलग अलग जॉनर्स का मिक्सचर है। इस सीरीज का स्टार्ट एक टिपिकल हॉरर मिस्ट्री की तरह होता है, लेकिन फिर ये शो एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा में बदल जाता है, जहां पुलिस वारी की बेटी को ढूंढने लगती है, इन्वेस्टिगेट करने लगती है और फिर उसके बाद कहानी एक साइफाई थ्रिलर में बदल जाती है। तो ये जो डिफरेंट जॉनर्स को मिक्स कर एक कहानी शो के क्रिएटर्स ने तैयार की है, वो आपको डिसेंटली स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रखेगी। आपका एक इंटरेस्ट सीरीज की मिस्ट्री में स्टार्ट टू एंड बना रहेगा और एक सेटिस्फाइंग एंडिंग आपको इस पूरी सीरीज की देखने को मिल जाएगी। इस शो के क्रिएटर्स ने डिफरेंट जॉनर्स से आइडियाज को लेकर एक ऐसी कहानी तो क्रिएट कर दी है जो आपको डिसेंटली एंटरटेन तो करेगी, लेकिन एक एक्सपीरियंस ऑडियंस को ये शो कोई शॉक या सरप्राइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस ऑडियंस इस तरह की चीजें पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी है। और मैं ये बात एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये सीरीज सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है। हॉरर एलिमेंट सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स में ही खत्म हो जाता है और वो जितना भी हॉरर एलिमेंट है वो बहुत ही बच्चों वाला है। आपने इस सीरीज को बस एक मिस्ट्री ड्रामा के तौर पर देखना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर ये शो आपके लिए एक अच्छा टाइम पास साबित होगा। बाकी सीरीज का जो कैरेक्टर वर्क है, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, म्यूजिक है, प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट, मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर ये शो आपके लिए एक डिसेंट एक्सपीरियंस साबित होगा। आप शो को देखकर अपना एक अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। प्लस कहानी भी सीजन 1 में खत्म हो चुकी है, आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा और आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बस आपको इस सीरीज में 2 छोटे-छोटे किसिंग सीन देखने को मिलेंगे और ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।